मालिक है सामने, जो भी जाएगा उसका आधार प्रभु पाली में आ जाएगा। महाराज बाली की जय, महाराज बाली की जय, महाराज बाली की जय। जी हाँ महाराज, उनके नाम राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण, मेरा ख्याल है जिस बात का मुझे मदद से इंतजार था वो होने वाली। महाराज वो सुग्रीव के मित्र हैं और सुग्रीव आपका दुश्मन। दुश्मन का यहाँ आना ठीक नहीं है। नहीं मंत्री, नहीं, मैं किसी भी हालत में सुग्रीव को जिंदा देखना नहीं चाहता, किसी हालत में भी नहीं। दरबार जाओ, महामानी पानी से कहो कि उसका भाई सुग्रीव उसे युद्ध के लिए उतार रहा है। क्या समाचार है दरबार? अच्छा,
कहिए सुग्रीव जी, बड़े हाथ रहे हैं, क्या बात है? किसी ने सच्ची कहा है, बिना सोचे समझे किसी पर एतवार करना सरासर नादानी है। आपको तो मालूम है कि पाली के सामने जो भी जाएगा उसका आधा प्रभु पाली में आ जाएगा। इसलिए अब आप ये हार पहन कर जाइए। व्यर्थ के भाई कहलाने वाले पाली को युद्ध के लिए ललकारे। मगर प्रभु आपकी दफा एक पल की देरी भी मुझे यह बुरी पहुंचा सकती है। अब ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय मित्र। लक्ष्मण जी, इधर मेरी जान पर पड़ी है और हंस रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए सुग्रीव जी, इनकी आदत ही कुछ ऐसी है। जैसी आ गया प्रभु, पर ना प्रभु। जाओ जाओ सुग्रीव, सफलता तुम्हारे कदम में। जय श्री राम, जय श्री राम। बाहर घर में तारा की गोद में चले जाने से मौत कल नहीं जाया करती। कि सुग्रीव की आखिरी घड़ी आ पहुंची है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। पैदा हुआ और मैं ही होगा। हमेशा किसी की ना बनी रही है और ना ही रहेगी। ओ दुश्मने बाहर, चुप गया क्या? सुन, कान खोल कर सुन तारा, कान खोल कर सुन। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारा ये मतलब है कि वादश कारण मुझे युद्ध के लिए गिरफ्तार रहे और मैं मौत के घर से यहीं पर बैठा रहूं? इस अपमान से तो मैं जाना ही नहीं चाहता। गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता।
जाओ पवन पुत्र जाओ, अधि शीघ्र लौट आओ।